हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गार्लिक ब्रेड रोल्स बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि हम तवे पर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने अवन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर आपके पास अवन नहीं है या फिर आप अवन यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए बनाते हैं गार्लिक ब्रेड रोल्स। इसके लिए सबसे पहले हम आटा माड़ेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल में आधा कप गर्म पानी लेंगे। इसमें आधा टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट का डालेंगे, एक टेबलस्पून चीनी का डालेंगे और सबको अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ करें तो यीस्ट की क्वांटिटी को डबल कर दें। हम इसको 2 से 3 मिनट तक या फिर इसमें जब तक इस तरह का फेना ना आ जाए छोड़ देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के या फिर कोई भी खाना पकाने वाला तेल डालेंगे, 3/4 टीस्पून नमक का डालेंगे और मिलाएंगे। अब हम इसमें 2 कप मैदे के डालेंगे और अब मैं हुक अटैच करूंगी और आटे को थोड़ी देर मिक्स करूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और बचा हुआ 1/4 कप पानी डाल दूंगी और मुलायम स्मूथ और इलास्टिक आटा गूंथूंगी। यहाँ मैंने मिक्सर को नंबर 2 सेटिंग पर लगाया है जिससे इसमें एयर बबल्स आ जाए। अगर आप यह आटा हाथ से माड़ेंगे तो आप इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक माड़ें। और अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लूँगी और आटे को थोड़ा सा और माड़ूंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और मैं इसको हाथों में लूँगी और इस तरह से अंदर की ओर दबाऊँगी और चेक करने के लिए कि आटा तैयार है या नहीं, मैं इसको उंगली से हल्के से दबाऊँगी और अगर यह इस तरह से वापस उठ जाता है इसका मतलब आटा मड़कर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में रखेंगे और बाउल को इस तरह से क्लिंग रैप से कवर कर देंगे और अब हम इसको गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे या फिर जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए तब तक छोड़ देंगे। और आइए अब हम गार्लिक बटर बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून कसा हुआ लहसुन का लिया है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन के डालूंगी जो कि रूम टेम्परेचर पर है। इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और हर्ब मिक्स डालेंगे, थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अगर आप यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो नमक ना डालें और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बटर को अच्छे से मिलाएंगे जिससे सभी चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाएं। और अब करीब 2 घंटे हो चुके हैं, आइए हम आटा चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो गया है और अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा फैलाएंगे और आटे को इस पर निकालेंगे और हाथों से दबाते हुए अच्छे से माड़ेंगे। अब हम आधा आटा हाथों में लेंगे और इसे स्मूथ करेंगे। और इसको इस तरह से बड़ा गोलाकार बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बेलकर तैयार है। अब हम इसमें अच्छी मात्रा में गार्लिक बटर लगाएंगे जो कि हमने पहले से तैयार किया था और इसको चारों तरफ एक सार फैला लेंगे और अब हम इसको एक साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से एक टाइट रोल बनाएंगे और अब हम इसको 1 इंच पीस में काटेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से फैलाएंगे। अब हम ये कास्ट आयरन का पैन या आपके पास जो भी भारी तवा हो वो लेंगे और उस पर कुछ बूंदे तेल की डालेंगे और इसको तवे पर फैलाएंगे जिससे कि ब्रेड पैन पर चिपके नहीं। अब हम रोल्स को पैन पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि रोल्स को पैन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर रखें क्योंकि हम इनको दोबारा प्रूफिंग के लिए रखेंगे, तब यह साइज में डबल हो जाएंगे। और अब हम इनको ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए या फिर जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए छोड़ देंगे। अब करीब 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रोल्स अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और ढक्कन को इस तरह से कपड़े से कवर कर देंगे जिससे कि रोल बनाते समय स्टीम रोल्स पर ना गिरे। और आइए गार्लिक ब्रेड रोल्स पकाते हैं। इसके लिए हम पैन को बहुत ही धीमी आंच पर रखेंगे और इसको ढककर करीब 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ यह बहुत ज़रूरी है कि आप इनको किसी भारी तले के तवे पर ही पकाएं और आँच को बहुत ही धीरे रखें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। अब करीब 11 मिनट हो चुके हैं
रोल्स नीचे से पककर तैयार हैं, हम इनको आंच से हटाएंगे और इनको पलटकर दूसरी तरफ से पैन पर रखेंगे। और अब हम इनको फिर से ढकेंगे और 4 से 5 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। यहाँ आप बीच में रोल्स को चेक करते रहें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। अब करीब 5 मिनट हो चुके हैं, आइए रोल्स चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पक चुके हैं और ये दोनों तरफ से सुनहरे हो गए हैं। मैं आंच बंद कर दूंगी और इन रोल्स के ऊपर थोड़ा सा गार्लिक बटर और लगाऊंगी और इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी और थोड़ा सा पार्सले या धनिया छिड़केंगे। गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड रोल्स बनकर तैयार है। ये बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा ये कैसे बने हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।